सरकार स्कूलों को सुधारने के और स्कूलों में सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन राजौरी जिले के अंदर आज भी एक ऐसा स्कूल है जहां पर छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सही सुना आपने। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो छात्र हैं वो प्रशासन के प्रति और पीएचई विभाग के प्रति नाराजगी जता रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर ये स्कूल जो है वो कौन सा है और राजौरी जिले में कहां पर स्थित ये स्कूल है। तस्वीरें जो आपने देखी, ये जिला राजौरी का जो खवास जोन है उसके अंतर्गत आने वाले हाई स्कूल मरनाकर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, ये छात्र जो हैं वो 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर एक नदी के नाले से गंदा पानी भरकर लाते हैं और उसी पानी को ये छात्र जो हैं वो पीते हैं, जिसके बाद छात्रों ने नाराजगी व्यक्त की है प्रशासन के प्रति और पीएचई विभाग के प्रति। इन्होंने नाराजगी जताई है। इनके साथ एक शिक्षक भी हैं जो इसको लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं। पहले आप ये सुने कि आखिर जो शिक्षक वहां पर सेवाएं देते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरी डीसी राजौरी जनाब विकास कुंदन जी से फिर दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जनाब, हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल मारकानाड़ में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। बच्चों को 2 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम MDM तैयार करवाते हैं बच्चों को दिन को पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत मुश्किल है। तो जनाब DC साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब PHE एक्शन साहब को वो कड़ी लफ्जों में कहें ताकि वो हमें जल्द अज जल्द कोई मुलाजम यहाँ फराहम करवाया जाए और हमें पानी की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और अगर वो हमारी इस बात पे कोई गौर व फिक्र नहीं करेंगे PHE एक्शन साहब, तो हम अपने इन बच्चों को गाड़ियों में बिठा कर ये फार फ्लांग एरिया से राजौरी में लाएंगे और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरामैन यहाँ दिखाएगा आपको कि यहाँ पानी की कितनी बड़ी बुरी किल्लत है। और हम भी क्या करें, यहाँ एक साथ भैंसे पानी पीती हैं, उधर भैंसों को भी दिखा दें, एक साथ भैंसे पानी पीती हैं, दूसरी तरफ हमारे जो ये बच्चे हैं ये पानी पीते हैं। यहाँ हम क्या कहें PHE वालों को, मैंने कम से कम 7-8 बार लेटर जो है एक्शन PHE के ऑफिस में सबमिट करवाया, लेकिन आज दिन तक वो रद्दी की टोकरी में ही जाता रहा। तो फिर भी मैं जो ये एक DC साहब विकास कुंदन जी जो हैं वो एक बड़े अच्छे शहूर आदमी हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप राजौरी फार फ्लंग एरिया तहसील ख्वास विलेज कोट चरवाल में हाई स्कूल मारकानाड़ है, कम से कम इन गरीब बच्चों की इल्तजा को आप सुने, क्योंकि हम पानी की बहुत मुश्किल है। अगर वो इस पे एक्शन साहब कुछ भी नहीं करेंगे तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को अपने इन बच्चों को लेकर राजौरी में पहुंचाएंगे, क्योंकि हम भी मजबूर हैं, बच्चे भी मजबूर हैं। सुना आपने, ये लोग ख्वास जोन के हैं, कोट चरवाल इलाके के, जो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द DC राजौरी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर जिला हेडक्वार्टर राजौरी में धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला विकास आयुक्त राजौरी की होगी। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिला विकास आयुक्त यानी कि DC राजौरी विकास कुंडल एक अच्छे इंसान हैं और लोगों के काम करते हैं, और ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारा भी काम जल्द से जल्द किया जाए, PHE विभाग के जो एक्शन हैं उन्हें सख्त निर्देश दिए जाएं ताकि स्कूल में पानी जो है वो फराहम हो सके, जिससे ये जो छात्र हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सके। चेतावनी साफ है कि अगर मसला हल नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजौरी में इन छात्रों के साथ ये तमाम लोग जो हैं वो धरने पर बैठ जाएंगे। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। रवि शर्मा UNT जम्मू कश्मीर।